The legend, the iconic model of Nokia series, इसका रिकॉर्ड आज तक कोई ब्रांड नहीं तोड़ सका। ये वो मोबाइल है जो कि 250 मिलियन यूनिट बिके थे इस मोबाइल फोन के, 250 मिलियन। जी तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आप लोगों को दिखा रहे हैं आज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सेलिंग मोबाइल फोन हेडफोन्स एवर है नोकिया की। ये चेक करें, ये चेक कर सकते हैं आप, ये चार्जिंग हो रही है इस मोबाइल फोन की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहजेब रजा और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द जेब टॉक। दोस्तों एक लंबे वक्फे के बाद आज दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है, और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं एक ऐसी मेमोरी आप लोगों के लिए, स्पेशली 90s के वो लोग जिनकी बर्थ 90s की है उन लोगों के लिए एक ऐसी मेमोरी लेकर आया हूँ। यूं तो 2024 में हमारे बीच में हमारी जिंदगियों से नोकिया जो है वो जा चुका है, और ये नोकिया के कुछ अपने गलत फैसले थे 2012-13 में, ये बात की बात है। और आज नोकिया हमारी जिंदगी में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग आज भी नोकिया के साथ जुड़े हुए हैं। क्या वजह है? क्योंकि उनकी जिंदगियों की बहुत खूबसूरत यादें जो हैं नोकिया के साथ वाबस्ता रही हैं, और आज भी नोकिया को देख के लोग जो हैं अपनी मेमोरीज को याद करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करूंगा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सेलिंग मोबाइल फोन का, नोकिया 1100, द लेजेंड, द आइकॉनिक मॉडल ऑफ नोकिया सीरीज। दोस्तों ये वो मोबाइल है जिसका रिकॉर्ड आज तक बड़े से बड़ा ब्रांड, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो आईफोन है, चाहे वो हुआवे है, वीवो है, ओप्पो है, या दुनिया का कोई भी ब्रांड है मोबाइल का, उसका रिकॉर्ड आज 2024 तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 2003 में अनाउंस की जाने वाले नोकिया के ये लेजेंडरी आइकॉनिक फोन की, नोकिया 1100, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई ब्रांड नहीं तोड़ सका। ये वो मोबाइल है जो कि 250 मिलियन यूनिट बिके थे इस मोबाइल फोन के, 250 मिलियन 2003 में, जब वर्ल्ड वाइड जो आबादी थी वो 6 point something बिलियन के करीब थी। आज 2024 में तो 8 बिलियन भी क्रॉस कर चुकी है। तो 2003 में ये मोबाइल का यूनिट 250 मिलियन के करीब बिका है, और इसके करीब करीब बहुत सा एक मोबाइल है जो इसका रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सका, मगर इसके बहुत करीब करीब आया था दोस्तों, वो था 2014 में अनाउंस किया जाने वाला iPhone 6 और iPhone 6 Plus, जो कि 230 मिलियन के करीब उसके यूनिट्स बिके थे। और अगर दोस्तों हम बात करें कि 2000 किसके बाद कौन सा जो फेमस मोबाइल है जो जिसका रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है, तो दोस्तों इसके बाद 2004 में आने वाला एक फ्लिप मॉडल है मोटो रेजर, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, मोटो रेजर जिसका रिकॉर्ड 130 मिलियन यूनिट्स का रिकॉर्ड रह चुका है। और अगर हम स्लाइडर की बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर स्लाइडर फोन जिसका रिकॉर्ड आज तक टूट नहीं सका वो सैमसंग E250 रहा है, जिसका टोटल यूनिट 30 मिलियन के करीब सेल आउट हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल एंटीक बाबा को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। स्पेशली जो लोग आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से बाहर, मैं देख रहा था अक्सर लोग बांग्लादेश और इंडिया से मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो उन सबको मेरा प्यार है, मेरा सलूट है। तो इसी तरह आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं नोकिया 1100 का मुकम्मल डिटेल्ड रिव्यू। जी तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आप लोगों को दिखा रहे हैं आज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट सेलिंग मोबाइल फोन इन द वर्ल्ड, नोकिया 1100, जो कि नोकिया ने 2003 में अनाउंस किया। नोकिया का बेस्ट एवर मोबाइल फोन है वर्ल्ड वाइड, इसका रिकॉर्ड आज तक कोई भी मोबाइल फोन नहीं तोड़ सका। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, सबसे पहले ये देख सकते हैं कि बैक पर इसका एक कवर का बटन है, ये बटन को प्रेस करके आप इसका जो है कवर जो है इजिली रिमूव कर सकते हैं, और रिमूवेबल बैटरी लगती है इसमें नोकिया की ओरिजिनल BL5C की, और ओरिजिनल नोकिया कॉरपोरेशन की तरफ से मेड इन हंगरी है। फुल मोनोक्रोमिक डिस्प्ले के साथ आपको ये मोबाइल फ़ोन जो है नोकिया ने अनाउंस किया था आप लोगों को। मैं ये सिम जैकेट मैंने जो है खोल कर इसमें सिम को इंस्टॉल किया है, BL5C की ओरिजिनल बैटरी को मैं जो है लगा कर अभी ऑन करूँगा, और इंतहाई सॉफ्ट कीज़ के साथ ये मॉडल आया गया था।
और नोकिया का ये मॉडल वाहिद मॉडल है मोनोक्रोम ग्राफिक्स के साथ, जिसमें नोकिया ने फुल डिस्प्ले स्क्रीन सेवर भी अनाउंस किया था इसमें। और नोकिया का ये खूबसूरत मॉडल सॉफ्ट कीज के साथ साथ आप इसमें इजीली 10 डायल्ड, 10 रिसीव और 10 ही मिस कॉल्स जो हैं वो रिसीव कर सकते थे। और अगर हम बात करें इसकी रिंगटोन्स की, तो दोस्तों नोकिया ने 2003 में इसमें मोनोफोनिक रिंगटोन्स दी थी, जो कि मोस्ट पॉपुलर रिंगटोन्स एवर हैं नोकिया की। ये चेक करें, ये इसकी ओरिजिनल रिंगटोन्स हैं। और मैं उस टाइम पर इसमें प्लेग्राउंड की रिंगटोन जो है वो इंस्टॉल करके रखता था। ये लेफ्ट साइड पे आपको इसका जो है एक रिंगर स्पीकर जो है नजर आ रहा है, जिसमें से इजीली जो साउंड आ रही है। और जो मोस्ट पॉपुलर फीचर था इस मोबाइल फोन का, वो टॉर्च थी, जो लोगों की जिंदगी में एक रोशनी लेकर आई थी उस टाइम पर। बहुत खूबसूरत सेल फोन 2024 में, ये उन लोगों की मेमोरीज हैं जो कि 90s के लोग हैं। आप इसमें इजीली जो है टेक्स्ट जो है कर सकते थे इजीली। और अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स नोकिया ने इस मोबाइल फ़ोन में इंट्रोड्यूस करवाए थे एक्स्ट्रा फीचर्स, वो ये थे, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते थे इस मोबाइल फ़ोन में, स्टॉपवॉच का ऑप्शन दिया गया, काउंटडाउन टाइमर था, कंपोजर था, इसके अलावा स्क्रीन सेवर आप ऑन एंड ऑफ कर सकते थे। और इसमें रिमूवेबल बैटरी है BL5C की ओरिजिनल। और अगर उस बैटरी की हम टॉक टाइम बात करें, तो 4 से 4.5 घंटों का टॉक टाइम हुआ करता था। और अगर हम बात करें इसका स्टैंड अप टाइम उस बैटरी का, तो करीब 400 घंटों से ज़्यादा जो है उसका एक स्टैंड अप टाइम था। और अब हम बात करते हैं इसमें जो उस टाइम पर गेम्स अनाउंस की गई थी नोकिया की तरफ से, वो कुछ फेमस गेम्स हैं, जिसमें स्नेक 2 है, स्पेस इम्पैक्ट है। ये स्नेक 2 की गेम हमारे बचपन की पबजी से ज़्यादा अच्छी गेम हुआ करती थी, आप इजीली इस पर रिकॉर्ड जो हैं वो बनाया करते थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमन सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि मैं किस ओल्ड रेट्रो विंटेज फ़ोन्स का आप लोगों के साथ रिव्यू करूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।